नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट 21 है ये लक्ष्मीकांत सिक्स एडिशन की किताब का। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि है आर्टिकल 16, जिसका टाइटल है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर आप इस आर्टिकल 16 के टेक्स्ट को देखें तो यहाँ पे आर्टिकल 16 का टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है। आर्टिकल 16 क्लॉज 1, आर्टिकल 16 क्लॉज 2, आर्टिकल 16 क्लॉज 3, आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज 5। एक एक करके सारे क्लॉजेस में आपको बताऊंगा। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, जैसे कि 77th अमेंडमेंट एक्ट और इस तरीके के एक दो और अमेंडमेंट्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। मंडल कमीशन के बारे में दोस्तों मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जिस एक्ट के थ्रू आया था, 103rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, इसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। वैसे तो हमने आर्टिकल 15 वाली वीडियो में इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पे 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 के बारे में बात करेंगे, जिसमें तमिलनाडु के अंदर जो रिजर्वेशन है उनके बारे में बात की गई है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आगे बढ़ने से पहले इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, ये जो आपके सामने 6th एडिशन की किताब है इसको जरूर खरीद के अपने सामने रख लें। अब देखिए आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि भैया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट, यानी स्टेट में, यानी जो सरकारी नौकरियां हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी हो, चाहे वो बैंक की नौकरी हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में नौकरी हो, NTPC, BHEL, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में नौकरी हो, इन सारी नौकरियों में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा बोलता है आर्टिकल 16। तो क्या लिखा है आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजंस इन मैटर्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। और एनी ऑफिस अंडर द स्टेट में क्या क्या आ सकता है ये अभी अभी मैंने आपको बताया। और इसके बाद क्या बोला जाता है, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इन एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रिस्पेक्ट और एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। यहां पर देखिए नो सिटीजन ओनली ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, यानी केवल रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंट, इनमें से किसी के भी बेसिस पे आपके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। कौन नहीं कर सकता, स्टेट नहीं कर सकता किसी भी तरीके की सरकारी नौकरी में। यानी कि ये जो ओनली है, इस ओनली का क्या मतलब है कि इन फैक्टर्स के अलावा किसी और फैक्टर के बेसिस पे आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट इन फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये तो हो गया क्लॉज 1 और क्लॉज 2। जो मेन इसके एक्सेप्शन हैं वो शुरू होते हैं क्लॉज 3 से। ये क्लॉज 3, ये क्लॉज 4, ये क्लॉज 5 और एक क्लॉज है जिसको आप बोलते हो क्लॉज 4A। ये आपके एक्सेप्शन को बताते हैं, यानी आर्टिकल 16 में जो जो एक्सेप्शन हैं उनके बारे में बताया जाता है। और उसी तरीके से सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन की बात कही गई है वो इन एक्सेप्शन में आएंगे। आप अपनी लक्ष्मीकांत की किताब देखिए दोस्तों, वहां पे 4 एक्सेप्शन के बारे में बात की है। एक एक करके वो 4 एक्सेप्शन मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरी इन वीडियो का बेसिस लक्ष्मीकांत है, मैं आपको लक्ष्मीकांत समझा रहा हूँ, तो एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए और ओवरऑल मेरा ये ऑब्जेक्टिव है कि आपको आर्टिकल 16 समझ में आना चाहिए। हाँ, पहला एक्सेप्शन देखिए जो आपका लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि देखिए, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और एनी अदर अथॉरिटी। यानी रेजिडेंस के बेसिस पे पार्लियामेंट चाहे तो रेजिडेंस को एक प्रायर कंडीशन बना सकती है। यानी कि मान लीजिए किसी एक जगह पे अगर आपको नौकरी लेनी है तो उस नौकरी लेने के लिए आप उस जगह पे कुछ समय से रह रहे हो, ये जरूरी है। तो मान लीजिए कल की डेट में अगर पार्लियामेंट चाहे तो अंडमान एंड निकोबार यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट को एक ऐसा नियम निकाल सकती है कि जो लोग अंडमान एंड निकोबार में इतने सालों से रह रहे हैं केवल वही उस नौकरी के लिए एलिजिबल है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई नियम है नहीं। ऐसा नियम कहां के लिए है, ऐसा नियम आंध्र प्रदेश के लिए है दोस्तों। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट्स में बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो अब ये नियम तेलंगाना में भी है। यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये 2 ऐसी जगहें हैं इंडिया में जहां पे कुछ नौकरियों को रेजिडेंस के बेसिस पे रिजर्व किया गया है, और कोई ऐसा स्टेट अभी के लिए नहीं है। पहले बहुत सी नौकरियां थी। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंट एक्ट आया था 1957 का, जिसके चलते कई सारे स्टेट्स में
रेजिडेंस को एक क्वालिफिकेशन रखा गया था, लेकिन 1974 में ये एक्ट एक्सपायर कर गया। उसके बाद से रेजिडेंस एज अ क्वालिफिकेशन फॉर जॉब ये प्रोविजन केवल आंध्र प्रदेश में और 2014 के बाद से तेलंगाना में भी है। ठीक है, एक बात हो गई यहां पे, आगे चलते हैं। दूसरे एक्सेप्शन की बात करते हैं आपका। दूसरा एक्सेप्शन क्या बोलता है कि देखिए, स्टेट कैन प्रोवाइड रिजर्वेशन, स्टेट रिजर्वेशन दे सकता है अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास। अगर कोई ऐसी बैकवर्ड क्लास है जिसको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है स्टेट सर्विसेज में, तो उस बैकवर्ड क्लास को आगे लाने के लिए जो सरकार है वो सरकार रिजर्वेशन दे सकती है। अभी हम थोड़ा आगे चल रहे हैं, बैकवर्ड क्लासेस को किस तरीके से रिजर्वेशन मिला है, इसके पूरे ग्रेजुअल जो इवॉल्विंग है, जो प्रोसेस जिस तरीके से शुरू हुआ और एंड में कैसे कंक्लूड हुआ, वो पूरा प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगा, बस थोड़ा वेट करिए। तीसरे क्लॉज पे आते हैं, सी, जो तीसरा एक्सेप्शन दे रखा है लक्ष्मीकांत में। ये क्या बोलता है कि अ लॉ कैन प्रोवाइड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस और अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्नर बॉडी शुड बिलोंग टू द पर्टिकुलर रिलीजन और डिनोमिनेशन। ये जो तीसरा एक्सेप्शन लक्ष्मीकांत में लिखा है, इसको आप देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 5 से। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 क्या देता है, देखो दोस्तों, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी लॉ व्हिच प्रोवाइड्स दैट द इनकम्बेंट ऑफ एनी ऑफिस इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ एनी रिलीजियस और डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशंस और एनी मेंबर ऑफ द गवर्निंग बॉडी देयर ऑफ शैल बी अ पर्सन प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर रिलीजन और बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर डिनोमिनेशन। मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको सिंपल भाषा में। मान लीजिए साउथ इंडिया का कोई एक बहुत बड़ा टेम्पल है, मान लीजिए मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई। अब ये जो मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई है, इसको कोई ना कोई ट्रस्ट ऑपरेट करता होगा, उस ट्रस्ट के कुछ बोर्ड मेंबर्स होंगे, उस ट्रस्ट के बोर्ड मेंबर्स का गवर्निंग काउंसिल का कोई चेयरमैन होगा, और ये चेयरमैन और गवर्निंग काउंसिल इस मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई को चलाते होंगे। अब इस ट्रस्ट के नियमों में ये लिखा हुआ है कि मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई के जितने भी ट्रस्ट मेंबर्स होंगे वो हिंदू होंगे, जो इसका चेयरमैन होगा वो हिंदू होगा। यानी एक मुस्लिम कम्युनिटी का पर्सन या फिर एक क्रिश्चियन कम्युनिटी का पर्सन, सिख कम्युनिटी का पर्सन, जैन कम्युनिटी का पर्सन, पारसी कम्युनिटी का पर्सन इस मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरई के ट्रस्ट का ना तो मेंबर हो सकता है ना चेयरमैन हो सकता है। तो ये नियम लिखा है इसके ट्रस्ट डीड में, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी। ये आप बोलोगे कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 16, क्योंकि आप इस ट्रस्ट में जो लोग काम कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कर रहे हो, आपने तो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी तक इसकी लीडरशिप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या ये आर्टिकल 16 के वायलेशन में है? नहीं है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 बोलता है कि अगर कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और वो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन अपने रिलीजन के लोगों को ही मेंबर बनाता है उस ट्रस्ट का, या हेड बनाता है उस ट्रस्ट का, उस गवर्निंग काउंसिल का मेंबर बनाता है, तो ये आर्टिकल 16 का वायलेशन नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है तो उस मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्ट डीड में लिखा होगा कि केवल एक मुस्लिम पर्सन ही इसका मेंबर बनेगा या इसका हेड बनेगा, तो क्या वो चीज आर्टिकल 16 के वॉलेशन में है? नहीं। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में इस चीज की परमिशन दी गई है कि कोई एक ऐसा डिनोमिनेशनल इंस्टीट्यूशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर चाहे तो अपनी गवर्निंग बॉडी में या अपने चेयरमैन के तौर पर अपने ही रिलीजन के मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है, ना कि किसी दूसरे रिलीजन के मेंबर को। तो वो अपनी स्वेच्छा से चाहे तो एक मुस्लिम पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, तो अगर कोई टेम्पल ट्रस्ट चाहे तो वो किसी क्रिश्चियन मेंबर को, मुस्लिम मेंबर को या सिख मेंबर को अपना चेयरमैन अपॉइंट कर सकता है, बट अगर वो नहीं चाहते तो वो नहीं करेंगे। इनके ऊपर फिर आर्टिकल 16 का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका तीसरा वाला क्लॉज। चौथा क्लॉज देखिए क्या बोलता है, डी क्लॉज। ये डी वाला आपका 103rd अमेंडमेंट एक्ट से आया 2019 में, काफी बवाल उठा था इसके ऊपर कि भाई स्टेट को ये परमिशन दी गई कि 10% पोस्टों को आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन के लिए रिजर्व कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की सुविधा केवल उन लोगों को मिलेगी जो ना ओबीसी रिजर्वेशन में आते हैं, ना एससी रिजर्वेशन में आते हैं, ना एसटी रिजर्वेशन में आते हैं। जो लोग एससी एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन में कवर्ड है उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंदर का कोटा नहीं मिलेगा। ओबीसी एससी एसटी कोटा के बाहर के जो लोग हैं उन्हें इस बेसिस पे कि भाई वो गरीब हैं, उनके पास प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, उस बेसिस पे उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा मिल सकता है। अब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा मिलने की क्या एलिजिबिलिटी है, ये आर्टिकल 15 में मैं आपको
बता चुका हूं, तो दोबारा यहां बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां से हम लोग मेन चीजों को शुरू करते हैं दोस्तों। मेन चीज क्या है, यहां से हम शुरुआत करेंगे मंडल कमीशन की। देखिए अगर आप मंडल कमीशन की बात करो दोस्तों, 1979 में, इस मंडल कमीशन को किसने अपॉइंट किया, मोरारजी देसाई गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। तो क्या ये पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था? नहीं, ये सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। तो क्या इससे पहले कोई बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बन चुका था? बिल्कुल हाँ, 1953 में दोस्तों फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बना था, जिसके चेयरमैन थे काका कालेलकर वॉज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आपका अपॉइंट होगा 1979 में मोरारजी देसाई गवर्नमेंट के अंदर। इसके चेयरमैन होंगे बीपी मंडल। ये बीपी मंडल थे आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब जब इस मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया, तो इसको अपॉइंट किया गया अंडर आर्टिकल 340 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, काम क्या था इसका कि भाई आप पता करिए कि इंडिया में ये जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इस शब्द को आर्टिकल 15 में भी मेंशन किया गया है। तो मंडल कमीशन ने बोला कि इंडिया में जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, उनकी कंडीशन को स्टडी करिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए, और एंड में अपनी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कुछ राय दीजिए कि इन बैकवर्ड क्लासेस की हालात को, इनकी कंडीशंस को हम कैसे सुधार सकते हैं। तो भाई इसके ऊपर प्रॉपर एनालिसिस हुई और इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1980 में। 1979 में इसको अपॉइंट किया गया, 1980 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी, और रिकमेंडेशन के थ्रू ये बोला गया कि भाई इंडिया में 3,743 ऐसी कास्ट हैं जो कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, और ये जो 3,743 कास्ट थी ना दोस्तों, इनके जो मेंबर्स थे, दे फॉर्म 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। और एक बात ध्यान दीजिएगा, ये 52% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया में एससी और एसटी इंक्लूडेड नहीं है, एससीज एंड एसटीज आर सेपरेट। तो एससी और एसटी को हटाने के बाद जो इंडिया की पॉपुलेशन थी, उसका 52% हिस्सा इन 3,743 लोगों में आता था, ये बोला गया। फिर इस कमीशन ने क्या बोला, इस कमीशन ने बोला कि भाई इन 3,743 कास्टों को, जो कि 52% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, 52% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, इनके लिए 27% सीटों को रिजर्व किया जाए। 27% सीटें गवर्नमेंट जॉब्स में आप इन लोगों के लिए रिजर्व करो, और इनको बुलाया क्या जाएगा, अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी। अब यहां पे सोचने वाली बात है दोस्तों की 52% इनकी आबादी है, तो 27% का प्रावधान क्यों किया गया? तो देखिए, एससी के लिए ऑलरेडी 15% का कोटा था, 7% का कोटा आपका किसके लिए था, 7% का कोटा था आपका एसटी के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुका है कि टोटल रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो 1963 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक जजमेंट दे चुका था कि भाई एक साल में जो टोटल रिजर्वेशन आप दे रखे हैं, दे रहे हैं, वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी अगर आप 100 सीटें निकालते हैं, तो 50 से ज्यादा सीटों को आप रिजर्व नहीं रख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था। तो ये सुप्रीम कोर्ट वाली जो डिसीजन था 50%, इस 50% वाली लिमिट को फॉलो करने के लिए इस मंडल कमीशन ने क्या बोला, मंडल कमीशन ने बोला कि भाई देखिए 22% सीटें तो ऑलरेडी रिजर्व है, 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7% शेड्यूल ट्राइब के लिए, एक काम करिए आप इस 22% के अलावा आप 27% ओबीसी के लिए रिजर्व कर दीजिए, तो टोटल जो रिजर्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 49%। तो हम सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को भी वायलेट नहीं करेंगे, और इन अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए भी हम कुछ कर पाएंगे, ये सब बातें बोली गई। इसके ऊपर काफी बहस हुई, 1980 में रिकमेंडेशन आ गए थे, तुरंत इसके रिकमेंडेशन को लागू नहीं किया गया। फिर आप देखेंगे दोस्तों 1989 से लेके 1990 में इंडिया के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। 1990 में वीपी सिंह ने अपनी, कहा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं कि अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को बचाने के लिए वीपी सिंह ने बोला कि भाई मैं मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करूंगा,
और ये जो 27% रिजर्वेशन की बात की गई है ओबीसी के लिए, इसको मैं लागू करूंगा। जैसे ही ये डिक्लेरेशन आया वीपी सिंह गवर्नमेंट की तरफ से, पूरे इंडिया में बवाल छिड़ गया, पूरे इंडिया में भाई प्रोटेस्ट होने लगे इसके ऊपर। लेकिन बाद में आप देखोगे दोस्तों, वीपी सिंह तो नहीं रहे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बाद में आप देखोगे कि ये जो ओबीसी का रिजर्वेशन है ये लागू होगा। 1991 में भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर बने नरसिम्हा राव जी, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट आई और नरसिम्हा राव जी ने बोला कि ठीक है भाई मैं दो चेंजेस को इंट्रोड्यूस करूंगा। पहली बात तो ये जो 27% कोटा आप ला रहे हो, इस 27% कोटे को मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि पुअरर सेक्शंस को दिया जाए। यानी ये जो आपने 52% आबादी को शॉर्टलिस्ट किया है, अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी 52% आबादी गरीब है, तो इस आबादी के जो गरीब सेक्शंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि केवल उन गरीब सेक्शंस को ये 27% का कोटा दिया जाए ओबीसी का। यानी कैसे ना कैसे करके मैं इसमें कुछ इकोनॉमिक सेग्रीगेशन करूंगा, ऐसा कहा पीवी नरसिम्हा राव जी ने। दूसरा, पीवी नरसिम्हा राव जी ने एक और बात बोली। पीवी नरसिम्हा राव जी ने बोला कि मैं इसके अलावा 10% सीटें उन लोगों के लिए रिजर्व करूंगा जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ठीक है, जिनके पास पैसे नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैं 10% ऑफ द जॉब्स रिजर्व करूंगा। मतलब ये वो लोग होंगे जो कि पुअर हैं, हायर कास्ट के हैं लेकिन गरीब है, पुअर है। तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव जी ने क्या कहा कि ये जो 52% कास्टों को आपने रिकॉग्नाइज किया है जो कि ये बैकवर्ड है, इनमें जो गरीब लोग हैं उनको मैं 27% का कोटा दूंगा। उसके अलावा जो हाई कास्ट है, उस हाई कास्ट में जो गरीब लोग हैं उनको मैं 10% का कोटा दूंगा। अब इतना कोटा कोटा उस समय पर जब हो रहा था तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये चीज जानी थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये चीज पहुंची, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर बात सुनी। यहां पे बात किसकी आई, यहां पे बात आई भाई आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 को यहां पे वेरीफाई किया जाएगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या बोलता है, पहले इसको पढ़िए। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास of citizens which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. यानी कि backward classes of citizens के लिए कुछ special laws बनाए जा सकते हैं और कुछ भी हमें रोकेगा नहीं। तो nothing in this article shall prevent, तो in this article में prevent करने वाले कौन से दो classes थे, article 1 और article 2। तो article 1 और article 2 हैं, उसके बावजूद भी article 16 clause 4 बोलता है कि भाई हम backward classes को सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 की जब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको थॉरली एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ये जो दूसरा स्टेप था पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट का, इसको नलीफाई कर दिया। पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा था ना कि हम 10% सीटों को जो हाई कास्ट के अंदर जो पुअर कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए रिजर्व करूंगा, इसको साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई ये नहीं हो पाएगा, ये जो एडिशनल 10% का आप रिजर्वेशन दे रहे हैं ये नहीं होगा, इसको इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए ठीक है, ये 27% वाला जो कोटा है इसको हम अपना अप्रूवल देते हैं, तो आप 27% वाला कोटा लागू करिए विद सर्टेन एक्सेप्शंस के साथ। वो जो इकोनॉमिक क्राइटेरिया वाली बात जो कही पीवी नरसिम्हा राव जी ने, उसको भी अपना अप्रूवल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सेकंड प्रोविजन था जिसको पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था उसको रिजेक्ट कर दिया, पहले प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहां पे सुप्रीम कोर्ट बहुत सारी कंडीशंस लगाएगा। ये पूरा एक केस था दोस्तों, इसको मंडल केस बोलते हैं 1992। इसको एक्चुअली में बोला जाता है इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। आपने सुना होगा इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस 1992। इसी केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे आप कह सकते हैं एक्सेप्शंस दिए। अब देखते हैं वो एक्सेप्शंस क्या क्या है। जो पहला एक्सेप्शन यहां पे सुप्रीम कोर्ट इंट्रोड्यूस करेगा दोस्तों वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि नहीं भाई आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ओबीसीज हैं जिनको आप रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं इनमें एडवांस सेक्शन कौन से हैं। उन एडवांस सेक्शंस को क्या बोला जाएगा, उन एडवांस सेक्शन को बोला जाएगा क्रीमी लेयर ऑफ ओबीसी, और उस क्रीमी लेयर को आपको ये रिजर्वेशन नहीं देना है। उनको जो बेनिफिशरीज आप आइडेंटिफाई करोगे इस रिजर्वेशन की उसकी लिस्ट से इनको आपको बाहर रखना है।
ये बात बोली। दूसरा एक्सेप्शन जो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप रिजर्वेशन दीजिए बट आपके रिजर्वेशन इनिशियल अपॉइंटमेंट में होंगे, यानी फर्स्ट टाइम आप जो अपॉइंटमेंट करोगे उसमें आपके रिजर्वेशन होंगे, आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। और अब तक जहां पे भी प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया गया है उसको केवल 5 साल के लिए कंटिन्यू किया जाएगा, ओनली फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि उस समय पे SC ST का रिजर्वेशन तो चल ही रहा था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ फार बोल दिया रिजर्वेशन ओनली इन इनिशियल अपॉइंटमेंट, प्रमोशन में किसी भी तरीके का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। फिर यह बोला गया कि भैया साल में मैक्सिमम 50% का आप रिजर्वेशन दे सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस सम वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आर देयर। ठीक है, जब तक कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस नहीं है तब तक आप 50% से ज्यादा का रिजर्वेशन कोटा नहीं रख सकते और हर साल इस चीज को अप्लाई किया जाएगा। अच्छा, रिजर्वेशन में एक चीज थी कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल क्या बोलता है? कैरी फॉरवर्ड रूल दोस्तों ये बोलता है कि मान लीजिए एक साल में किसी एक पोस्ट में 10 सीटें रिजर्व की गई हैं, तो ये रिजर्व कैटेगरी के लोग इन 10 सीटों पे जा सकते हैं। मान लीजिए उस साल में 10 में से केवल 7 सीटें भरी गई, 3 सीटें बैकलॉग खाली हो गई, तो 10 सीटें थी रिजर्व कैटेगरी के लिए, 7 सीटें भरी, 3 सीटें खाली हो गई, तो अब इन 3 सीटों में क्या जनरल कैटेगरी वाला बंदा कंपीट कर पाएगा? नहीं। ये 3 सीटें अगर पहले रिजर्व कोटा में आई थी तो ये रिजर्व ही रहेंगी, तो आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, यानी 3 सीटें जो बैकवर्ड क्लासेस की इस साल नहीं भरी उनको आप अगले साल भर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब अगले साल भी आप इन 3 सीटों को भरोगे तो भी ओवरऑल जो रिक्रूटमेंट होगा उसमें 50% वाले रिजर्वेशन क्राइटेरिया को आप एक्सीड नहीं कर सकते, समझ गए दोस्तों? तो मान लीजिए अगले साल आती है 100 सीटें, ठीक है, और उस 100 सीटें में उस साल का रिजर्वेशन करते हो आप 50, तो 50 सीटें रिजर्व और 50 सीटें जनरल कैटेगरी की, और ये पीछे की 3 सीटें आती हैं तो वो 50 रिजर्व में जुड़ के हो जाएंगी 53। तो आप यहां पे देखिए कि ये टोटल सीटें 100 थी और 53 हो गए रिजर्व, तो 50% एक्सीड हो गया 100 का, तो दिस इज नॉट वैलिड, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो पहले के बैकलॉग को भी अगर आप अगले ईयर में कर रहे हो पूरा, तो उसमें भी आप 50% की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है उसको आप वॉयलेट नहीं कर सकते, ये बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने। और फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि आप एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनाएंगे और वो जो स्टेट्यूटरी बॉडी है वो एक परमानेंट स्टेट्यूटरी बॉडी होगी जो कि इस बात पे बात करेगी कि कौन सी कास्ट को ओबीसी में जोड़ना है, कौन सी कास्ट को ओबीसी में नहीं जोड़ना है, किन किन लोगों को जोड़ना है, किन किन लोगों को जोड़ना नहीं है, क्रीमी लेयर क्या है क्या नहीं है, ये सब बारे में बोला सुप्रीम कोर्ट। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट थे दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्शंस को यहां पे इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, आप बाद में देखोगे दोस्तों कि भाई राम नंदन कमेटी अपॉइंट की गई। इस राम नंदन कमेटी का काम क्या था? इस राम नंदन कमेटी का काम यह था, इसको अपॉइंट किया गया 1993 में। इस राम नंदन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी दी थी। काम क्या था कि यह पता करना कि भैया कौन से लोगों को ओबीसी में शामिल करना है और उसमें से क्रीमी लेयर कौन सी है, तो क्रीमी लेयर को हटा दिया जाएगा और नॉन क्रीमी लेयर को इंक्लूड किया जाएगा। फाइनली आप बाद में देखोगे कि एक स्टेट्यूटरी बॉडी बनेगी जिसका नाम होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को 1993 में स्टेट्यूटरी एक्ट के थ्रू बनाया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया। इस नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का काम क्या था कि भैया अगर किसी कास्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है या फिर ऐसी कोई कास्ट जो कि बैकवर्ड सिटीजन नहीं है बट उसको ओबीसी कोटा में इंक्लूड कर दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ जॉब रिजर्वेशन, इसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी इश्यूज होंगे, जो भी कंप्लेंट्स होंगी, वो सब NCBC देखेगा, यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास देखेगा। 2 साल पहले 2018 में सरकार ने एक अमेंडमेंट एक्ट पास किया जिसका नाम था 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। इस अमेंडमेंट एक्ट ने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, यानी कि अब एक स्टेटूटरी बॉडी नहीं है NCBC, अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और अगर अब NCBC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है? दिस इज इंक्लूडेड अंडर आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब आर्टिकल 338B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिलेगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब आपके दिमाग में यह आएगा कि अगर आर्टिकल 338B में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो आर्टिकल 338 में क्या है, आर्टिकल 338A में क्या है? तो आर्टिकल 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट,
आर्टिकल 300 सॉरी आर्टिकल 338 में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, और आर्टिकल 338 ए में है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, और आर्टिकल 338 बी में है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एक चीज हमारे लिए और इंपॉर्टेंट हो गई, वो क्या थी, 102nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018। अब देखिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक स्लाइड पीछे जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड रूल। क्या बोला गया इस कैरी फॉरवर्ड रूल में, कि भाई जो सीटें बैकवर्ड क्लासेस की थी, पहले रिजर्व थी, वो एक साल में नहीं भर गई, उनको आप अगले साल में ले गए, लेकिन अगले साल में भी जो 50% रिजर्वेशन वाला नियम है ये वॉलेट नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो सरकार ने बोला नहीं, सरकार क्या लेके आई, सरकार इस 50% के प्रावधान के अगेंस्ट लेके आई 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000। सरकार ने 81st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2000 से बोला कि भाई पिछले साल की जो बैकलॉग वैकेंसीज थी ना रिजर्वेशन की, उनको हम अलग से एक स्पेशलाइज सेट ऑफ वैकेंसी मानेंगे। तो मान लीजिए कि अगले साल में 100 वैकेंसीज हैं, तो उस 100 में 50 रिजर्व्ड है और 50 रिजर्व्ड नहीं है, उसके अलावा अगर पिछले साल की 3 भी आ गई तो इन 3 को सेपरेट माना जाएगा, इन 3 को इन 100 वैकेंसीज में काउंट नहीं किया जाएगा, और पिछले साल के बैकलॉग को कंप्लीट करने के लिए अगर 50% वाली कंडीशंस ओवरऑल केसेस में वॉयलेट हो भी जाती है तो भी वो मान्य है। उन्होंने सीधे सीधे बात यहां पे बोली सरकार ने कि भाई बैकलॉग वैकेंसीज को हम डिफरेंट सेट ऑफ वैकेंसी काउंट करेंगे और उसमें वो 50% वाली सीलिंग लागू नहीं होनी चाहिए, और अगर आप उसको डिफरेंट सेट ऑफ वैकेंसीज मान रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली बात है 50% वाली सीलिंग आपकी लागू होगी। तो मान लीजिए पिछले साल की 30 वैकेंसीज बची थी, वो इस बार आ गई, लेकिन इस बार की टोटल सीटें थी 100, उस 100 में 50 रिजर्व है, 50 जनरल की है, कोई बात नहीं, पिछली वाली की 3 को आपने 100 में इंक्लूड ही नहीं किया, तो पिछली वाली 3 को जब आपने 100 में इंक्लूड ही नहीं हुआ तो 50% वाली कंडीशन वॉयलेट ही नहीं होगी। तो पीछे की बैकलॉग की वैकेंसीज को पूरा करने के लिए उसको हम एक सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसी मानेंगे, उस साल की वैकेंसी नहीं मानेंगे, ये बात बोली गई। फिर भाई आते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस एक्सेप्शन पे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया देखिए प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का साफ था कि आप भाई आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं कर सकते। यहां पे एक गेम खेलेंगे सरकार, सरकार क्या बोलेगी कि देखिए 77th अमेंडमेंट एक्ट लेके आई सरकार 1995 में, और 77th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सरकार ने क्या बोला, सरकार ने ये बोला इसके थ्रू एक क्लॉज जोड़ा गया था 16 आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए, ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए बोलता है कि अगर स्टेट चाहे तो किसी भी सर्विस में प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकता है इन फेवर ऑफ एससी एंड एसटी अगर वो स्टेट सर्विसेज में रिप्रेजेंटेड नहीं है। यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रमोशन इन रिजर्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू ओबीसी। तो ये जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए है ना, दिस डील्स विद एससी एसटी नॉट विद ओबीसी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इंदा सानी वाले केस में ये बोला कि भैया देखिए आप जो प्रमोशन में रिजर्वेशन रख रहे हैं ये नहीं चल पाएगा, इसको आप बंद करिए। सरकार ने बोला हम तो बंद नहीं करेंगे। तो सरकार ले आई 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995, सरकार ने बोला कि भाई एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन इन प्रमोशन रहेगा अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के। तो अगर स्टेट चाहता है, और वो स्टेट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट आपकी स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट आपकी एक बैंक हो सकती है, कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो अगर स्टेट चाहता है कि हाँ भाई हम रिजर्वेशन इन प्रमोशन रखेंगे एससी एसटी के लिए, तो वो रख सकते हैं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन एससी एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए नहीं, कुछ लोगों को डाउट रहता है। उसके बाद एक और एक्ट लेके आई सरकार, 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001। इस 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 क्या बोला गया, प्रमोशन रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा उसके साथ साथ कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी भी रहेगी। अब ये कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी क्या है इसको समझना जरूरी है, देखते हैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए 2021 यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो और आप दो लोग सेलेक्ट होते हो, कोई पर्सन ए कोई पर्सन बी। मान लीजिए जो पर्सन बी है ये एससी एसटी में से किसी एक कैटेगरी का है, ये जो पर्सन ए है ये जनरल कैटेगरी से आया, तो
अब आप लोग अगर 2021 बैच में आईएएस लगे हो तो ऑब्वियसली बात है कि 2021 बैच के आईएएस बोले जाओगे, तो इस पर्सन ए को भी 2021 बैच का आईएएस बोला जाएगा, इस पर्सन बी को भी 2021 बैच का आईएएस बोला जाएगा। अब देखिए इनके बीच में भी प्रमोशन होते हैं, धीरे धीरे प्रमोट होंगे आईएएस आगे जाके। आगे आने वाले समय में दोस्तों क्या हो, जब प्रमोशन होगा ना तो हर साल प्रमोशन में कुछ सीटें एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए रिजर्व होंगी, ये बोला। लेकिन जब उन एससी एसटी के लोगों को ये रिजर्वेशन मिलेगा तो उनको कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी भी मिलेगी। तो मान लीजिए कुछ सालों के बाद अगर इस एससी एसटी के पर्सन को एक कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी मिलती है तो सीनियोरिटी में हो सकता है, देखिए जब भी किसी गवर्नमेंट बैच में दोस्तों आप लोग जाओगे, गवर्नमेंट जॉब में जाओगे, तो आपसे हमेशा जॉब में पूछा जाएगा भाई कौन से बैच के हो आप। तो अगर 2021 में आपने यूपीएससी क्वालिफाई किया, बोलोगे 2021, कोई 2022 में क्वालिफाई करेगा 2022, तो टीना डाबी ने क्वालिफाई किया 2014 में तो 2014 बैच, अब आई एम नॉट श्योर कि 2013 या 2014 किसी में क्वालिफाई किया था, मतलब जिस नोटिफिकेशन जिस साल में वो नोटिफिकेशन आया था उस साल में आपने क्वालिफाई किया तो आप बोले जाओगे भाई आप उस साल के आईएएस हो। तो 2021 का जो आईएएस का एग्जाम होगा जिसका रिजल्ट 2022 में आएगा तो आप सेलेक्ट हो गए तो आप बोले जाओगे आईएएस ऑफिसर ऑफ 2021 बैच। अब मान लीजिए इसी बैच में ये जो बी पर्सन है जो एससी एसटी कैटेगरी का है वो आगे प्रमोट होता है तो उस प्रमोशन के साथ साथ उसको कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी भी मिलेगी। कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी का मतलब क्या है कि जो जनरल कैटेगरी में ए वाला बंदा था इसको तो 2021 बैच का ही बोला जाएगा, लेकिन जैसे इस बी वाले बंदे को प्रमोशन मिलेगा इसको कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी मिलेगी तो ये बोल सकता है कि भाई मैं 2020 बैच का आईएएस हूं, 2021 बैच का आईएएस नहीं हूं। समझ गए दोस्तों हम यहां पे कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी में क्या हो रहा है, आप अपने साथ वालों के साथ सीनियर हो रहे हो। ठीक है, इस चीज को मैं फिर से समझाता हूं। 2021 बैच में ए और बी सिलेक्ट हुए, ए जनरल कैटेगरी का है, बी एससी एसटी कैटेगरी का है, दोनों को हमेशा बोला जाएगा ये 2021 बैच के आईएएस ऑफिसर है, लेकिन एससी एसटी कैटेगरी वाले को जब आगे रिजर्वेशन मिलेगा तो उसको कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी मिलेगी, तो एक टाइम के बाद उसकी कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी इतनी हो जाएगी कि वो बोलेगा आई एम फ्रॉम 2020 आईएएस बैच नॉट 2021, क्योंकि उसको साथ साथ कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी में मिल रही है। तो एक समय के बाद ऐसा हो जाएगा कि यही ए जनरल कैटेगरी का जो पर्सन है वो इस बी को सर सर बोलने लगेगा क्योंकि इस बी को कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी मिल रही है। वैसे तो दोनों बराबर है लेकिन इस कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी के चलते ये ए इस बी के सामने जूनियर हो जाएगा और इस ए को बी को सर बोलना पड़ेगा। तो दिस इज बेसिकली कंसीक्वेंशियल सीनियोरिटी जो कि आया था 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 के चलते, जिसके चलते काफी बवाल भी हुआ था। ठीक है, तो चलिए 85th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001 मैंने आपको समझा दिया, 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों यहां पे काफी बवाल चल रहा है, इसको लेके बवाल क्या चल रहा है, आपको कुछ जजमेंट्स यहां पे मैं सुप्रीम कोर्ट के बताना चाहूंगा। देखिए फरवरी या मार्च के टाइम पे एक बताता हूं, रिजर्वेशन एज राइट, प्रमोशन में रिजर्वेशंस की जब बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पे क्या बोलना है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में तो चलिए आपका रिजर्वेशन में प्रमोशन है, लेकिन जब किसी और चीज पर, मान लीजिए बैंक की बात करिए दोस्तों, मैं यहां पे समझाना चाहूंगा आपको पंजाब नेशनल बैंक के एग्जांपल से। पंजाब नेशनल बैंक में मान लीजिए अगर 400 सीटें आती हैं तो क्या इन 400 सीटों में एससी एसटी के लिए प्रमोशन होता है? नहीं होता। हाँ कुछ स्पेशल मापदंड रखे गए, जैसे कि जब भी पीएनबी में प्रमोशन होगा, मैंने एक्चुअली पीएनबी के एम्प्लॉय से बात की तो उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूं। तो जब प्रमोशन के लिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या होता है कि 6 कंडीशंस को पूरा करना होता है, तो एक जनरल कैटेगरी के बंदे को वो 6 कंडीशंस को पूरा करना है तो उसको कम से कम 3 या 4 साल की सर्विस होनी चाहिए कुछ और इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। अगर किसी एससी एसटी कैटेगरी के बच्चे को, लड़के या लड़की को अगर इन कंडीशंस को पूरा करना हो तो उसकी जो कंसीक्वेंशियल एलिजिबिलिटी है वो 2 से 3 सालों में हो जाती है और उसके लिए जो नॉर्म्स है वो थोड़े से ढीले हैं। तो आप देखोगे एक बैच में अगर कोई एक जनरल कैटेगरी का बच्चा आता है और कोई एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा होता है तो वो एससी एसटी कैटेगरी का बच्चा जल्दी एलिजिबल हो जाता है प्रमोशन के लिए पीएनबी के अंदर, लेकिन जनरल वाला उतनी जल्दी एलिजिबल नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ एससी एसटी के फेवर में कुछ यहां पे किया गया है, लेकिन सीधे सीधे अगर 400 सीटें आती हैं पीएनबी में प्रमोशन के लिए तो
इन 400 सीटों में एससी एसटी कोटा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो अगर 400 सीट्स आ रही हैं पीएनबी में प्रमोशन के लिए, मान लीजिए कोई क्लर्क ग्रेड पे लगा और वो ऑफिसर में प्रमोट हो रहा है, तो अगर 400 सीटें आ रही हैं तो इन 400 सीटों में सीधे सीधे एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। एससी एसटी को प्रेफरेंस दी गई, कैसे दी गई है कि एलिजिबिलिटी कंडीशन एक एससी एसटी कैंडिडेट की जल्दी पूरी हो जाएगी, एक जनरल कैंडिडेट की देर से पूरी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है एससी एसटी कैंडिडेट को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। एससी एसटी कैंडिडेट्स का यहां पे बोलना है कि हमें कोटा दिया जाए, यानी इन 400 लोगों में एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी सीटें रिजर्व की जाए। ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। मैंने आपको सिर्फ पंजाब नेशनल बैंक का एक एग्जांपल दिया है, केस बहुत सारे जगहों से पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन को लेके आप देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो प्रमोशन इन रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स में रिजर्वेशन इन प्रमोशन है। आप आईएएस में है, आईपीएस में, किसी ग्रुप बी जॉब में, ग्रुप सी जॉब में है, आपको प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में। लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बहुत जगहों पे प्रॉब्लम आती है। सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके बच्चों ने बोला भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये जो रिजर्वेशन है हमें प्रमोशन में भी दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक बात बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 16 क्लॉज 4A के अंदर ये जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाला प्रावधान है ना, इसमें ये लिखा है कि अगर स्टेट को यानी गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई किसी एक सर्विस में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, उस केस में प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन ये एक इनेबलिंग प्रोविजन है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज बेसिकली एन इनेबलिंग प्रोविजन। इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? इनेबलिंग प्रोविजन का मतलब होता है कि जो लोग डिसएडवांटेज्ड हैं, जो लोग वल्नरेबल हैं, उनको ऊपर उठने के एवेन्यूज प्रदान किए जाए। लेकिन ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला आर्टिकल 16 क्लॉज ए इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, आपको ऊपर उठने में हम मदद कर सकते हैं लेकिन एज अ मैटर ऑफ राइट आप इसको क्लेम नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, समझ गए दोस्तों? तो दिस इज द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आपको अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन चाहिए, अगर आपकी स्टेट आपको देती है तो स्टेट आपको कब देगी? जब उसको लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे जो एससी एसटी कैटेगरी के लोग हैं वो प्रॉपरली रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। अगर उसको नहीं लग रहा है तो आप एज अ मैटर ऑफ राइट कोर्ट में आके अपना ये राइट मांग नहीं सकते हो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। प्लस अभी रिसेंटली एक चीज और हुई है दोस्तों, आपको पता है कि तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। तमिलनाडु में जो 69% रिजर्वेशन है दोस्तों, ये 1994 में लाया गया था। काफी बवाल हुआ था जब 1994 में इस रिजर्वेशन को लेके आया गया था। मैं आपको इसकी थोड़ी कहानी बताता हूं। और इसकी कहानी देखिए शुरू आपकी यही होती है, ई वाला पॉइंट देखिए दोस्तों, अपना ई वाला पॉइंट आपकी लक्ष्मीकांत में ही दे रखा है। इसमें बात की गई है 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994। ये 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 हमारी पार्लियामेंट में पास किया था, और इस पार्लियामेंट ने इसको पास करके क्या किया, तमिलनाडु का एक रिजर्वेशन एक्ट है दोस्तों 1994 का। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तमिलनाडु बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट। 1994 का एक एक्ट है तमिलनाडु का। इस एक्ट को 76th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1994 के थ्रू सरकार ने 9th शेड्यूल में पहुंचा दिया। अब ये जो 1994 का तमिलनाडु का एक्ट है, इसके चलते 69% ऑफ द सीट्स इन तमिलनाडु आर रिजर्व, जिसमें से 50% रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, 18% रिजर्वेशन एससी कैटेगरी के लिए और 1% रिजर्वेशन एसटी कैटेगरी के लिए। तो एसटी कम है वहां पे, एससी 18%, बैकवर्ड क्लासेस 50%। अब आप बोलोगे कि ये चीज कैसे हो गई? दोस्तों देखिए, जब भी रिजर्वेशन के खिलाफ बवाल चला है इंडिया में, तमिलनाडु में उतना नहीं चला है, क्योंकि तमिलनाडु में जो हायर क्लास है वो केवल 13% है, जो अपर कास्ट के लोग हैं वो केवल 13% है, मैक्सिमम वहां पे लोअर कास्ट में आते हैं, ठीक है। तो 69% रिजर्वेशन कर दिया गया, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने उसको 9 शेड्यूल में ले गया। 9 शेड्यूल में ले जाएंगे तो आप जुडिशियल स्क्रूटनी में नहीं आएंगे, हालांकि जुडिशियल स्क्रूटनी में आ सकते हैं। तो एक पर्सन थे के एम विजयन ने इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई। के एम विजयन ने जब 9th शेड्यूल में इस एक्ट को लेके आया सरकार, तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में के एम विजयन एक पिटीशन फाइल करने जा रहे थे, लेकिन के एम विजयन के घर पे अटैक हुआ, उनको काफी, उनका मतलब हाथ हाथ में काफी चोट आ गई, ही वॉज मेम्ड, मतलब इतनी चोटें आई कि उनका एक हाथ या एक पांव ने काम करना बंद कर दिया। तो एक डेडली अटैक हुआ था के एम विजयन ने, क्योंकि के एम विजयन इस 69% कोटे को अपोज कर रहे थे। ये एक अलग कहानी है।
अब इसी 69% कोटे से रिलेटेड एक बात अभी हमारे सामने निकल के आती है। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है, इसको मैंने अपने एडिटोरियल आर्टिकल में भी डिस्कस किया है। 12 जून के लगभग पे न्यूज आई थी, 10 या 12 जून के लगभग पे। ये न्यूज क्या बोलती है, देखिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट के बारे में आपने सुना होगा, मेडिकल के लिए होता है एग्जाम। तो स्टेट के बहुत से कॉलेजेस है ना, वो भी अब नीट के थ्रू भरे जाएंगे। अब देखिए तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, तो तमिलनाडु की सरकार बोल रही है कि भाई तमिलनाडु के कॉलेजेस में जो भी आप नीट के थ्रू भरोगे उसमें 69% रिजर्वेशन दो, क्योंकि हमारे यहाँ तो 69% रिजर्वेशन है। और इसके लिए जो तमिलनाडु सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई, और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और सुप्रीम कोर्ट से बोला कि भाई हमारे स्टेट के बच्चों का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने पता है क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 32 के अंदर आप रिट पिटीशन तब फाइल कर सकते हो जब आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, एंड रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, रिजर्वेशन इज एन इनेबलिंग प्रोविजन। और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। वो अलग बात है कि जो तमिलनाडु है कि गवर्नमेंट है वो किसी और आर्टिकल के अंदर अपना रिट पिटीशन फाइल करेगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड यहां पे क्लियर हो रहा है कि दिस रिजर्वेशन इज बेसिकली नॉट अ फंडामेंटल राइट। मैं ये सब बातें आपको इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंस के एग्जाम में इन सब चीजों को कोट कर सको, ठीक है दोस्तों। ये चीज चल रही है, अब आगे चलते हैं हम लोग अपनी किताब में। अब इससे ज्यादा डिटेल में तो दोस्तों मैं आपको समझा ही नहीं सकता, आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हो। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। सरकार ने बोला कि भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, और ये जो आपका एक्सेप्शन था डी नंबर का लक्ष्मी गांधी किताब में, 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू कहा गया कि 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए होगा, जिसमें एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के लोग कोटा क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी तरीके का रिजर्वेशन, चाहे वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का हो चाहे वो एससी एसटी ओबीसी का हो, वो कुछ जगहों पर अप्लाई नहीं होता है। जैसे कुछ साइंटिफिक और टेक्निकल पोस्ट है उनमें कभी भी ये रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इसरो में सिलेक्टेड पोस्ट के लिए, डीआरडीओ में सिलेक्टेड पोस्ट के लिए, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में सिलेक्टेड पोस्ट के लिए, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में सिलेक्टेड पोस्ट के लिए रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया जा सकता। और इसके कुछ एक्सेप्शन, इसके कुछ वो दे रखे क्राइटेरिया, देख रखे नीचे देख लीजिए क्राइटेरिया दे रखे हैं कि भाई किसी एक सर्विस में ग्रुप ए की पोस्ट में ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल नहीं होंगे। साइंटिफिक और टेक्निकल होनी चाहिए वो पोस्टें, वो साइंटिफिक और टेक्निकल होनी चाहिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑर्डर 1961 के हिसाब से, वो पोस्टें रिसर्च से रिलेटेड हो, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो उनमें रिजर्वेशन नहीं होगा। तो इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, बार्क और ऐसे और बहुत से टेक्निकल और साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है हमारे कंट्री में जिनकी सिलेक्टेड पोस्ट के लिए रिजर्वेशन नहीं है। फिर आप देखिए नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस, जिसके थ्रू आप आईएमए में जाते हैं, इनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है दोस्तों। अब एनसीसी में कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट हो तो आपके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन कास्ट बेसिस पे कोई रिजर्वेशन नहीं है निजाम में। हालांकि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी बच्चों के लिए जो एप्लीकेशन फीस होती है शायद 100 रुपए की, वो माफ होती है, लेकिन रिजर्वेशन आप कास्ट बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा एनडीए सीडीएस में। तो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं रिजर्वेशन में, हर जगह नहीं है दोस्तों। तो आई होप कि आर्टिकल 16 आपको छांट छांट के दोस्तों समझ में आ गया हो। हर एक चीज जो इसके फैसेट से डील करती है वो मैंने आपको यहां पे समझा दी है, कुछ भी इसमें बचा नहीं है समझाने को। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं, कोई कमेंट हो तो आप मुझे नीचे बता सकते हैं। मैंने न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे चीजें आपको समझाने की कोशिश की है। एक बात और बता दूं, रिजर्वेशन से रिलेटेड जब भी आप अपने एग्जाम्स में लिखें, चाहे आप रिजर्वेशन की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं चाहे आप नहीं बिलोंग करते हैं, कभी भी रिजर्वेशन के बिल्कुल फेवर में मत लिखिएगा और कभी भी रिजर्वेशन के बिल्कुल अगेंस्ट में मत लिखिएगा। एक बैलेंस्ड अप्रोच लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि आपको यह पता नहीं है कि कौन आपके पेपर चेक कर रहा है और उसका क्या माइंडसेट है। Always give a neutralized approach towards the reservation. Okay? इससे मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूँ। I hope वीडियो पसंद आई हो। Thank you for watching this video, friends, and have a great day. Goodbye. ध्यान रखिए अपना और कोरोना से बच के रहें।